अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके लाइफ में ये चेंजिंग ला देगा। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकाउंट्स को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। अगर हम अमेरिकन अप्रोच की बात करेंगे तो जितने भी अकाउंट्स हैं इट कैन बी क्लासिफाई इनटू 5 पार्ट। तो ये जो 5 पार्ट है इसको हमने 2 ग्रुप में बांटा है, नंबर 1 नंबर 2। एक में AE है और दूसरे में LIC है। टोटल 5 अकाउंट। अमेरिकन अप्रोच के अनुसार अकाउंट कैन बी क्लासिफाई इनटू 5 पार्ट। ये जो नंबर 1 है उसमें हमने A और E को रखा है और दूसरे में LIC को रखा है। AE एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब जब आपको लगेगा कि एसेट या एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जब जब आपको लगेगा कि डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये हमने बात कही एसेट एंड एक्सपेंसेस के लिए। अब हम LIC की बात करते हैं, लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल की बात करते हैं। इसका जो नेचर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है A और E से। जब जब LIC में कोई भी हो, LIC का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो L हो, I हो या C हो, जब जब इंक्रीज करेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब जब वो डिक्रीज करेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। अब हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लाए हैं। ये T-शेप अकाउंट है और इसमें हम कैसे एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्नीचर परचेज ₹4,20,000। अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो क्या होगा? अगर आप परचेज फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो आपके लिए क्या होगा? फर्नीचर आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? फर्नीचर आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा, और फर्नीचर आपका क्या है? एसेट है, तो ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। तो इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। 2 कैश अकाउंट, यहां पर हम लिख देंगे हमने क्या किया, परचेज ऑफ फर्नीचर कितने का, 20,000 का। आपने फर्नीचर परचेज किया और आपके लिए फर्नीचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। आपके यहां पहले फर्नीचर नहीं था, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जब फर्नीचर क्या है? एसेट है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको कहां हम लोग लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। ये हमने नंबर 1 बना लिया। अब हम बात करेंगे, अब हम बेच रहे हैं उसको 5,000। तो जब हम बेचेंगे तो पहले जो हमारा फर्नीचर था वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो जब हमारा एसेट डिक्रीज करेगा तो उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। बाय कैश
अकाउंट। क्या हो रहा है भाई, फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ फर्नीचर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को बेच रहे हैं। फर्नीचर को बेचने से फर्नीचर क्या हो जाता है, आपके यहाँ जो पहले से फर्नीचर था वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि जब एसेट डिक्रीज करेगा तो उसको कौन साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, और अमाउंट है हमारा 5000। ये दो हमने बना ली। अब थर्ड है, फिर हम परचेज कर रहे हैं। तो जब जब आप परचेज कीजिएगा तो आपके यहाँ फर्नीचर इंक्रीज करेगा, फर्नीचर इंक्रीज करेगा मतलब एसेट इंक्रीज करेगा। तो एसेट इंक्रीज करने पर डेबिट साइड, फिर आप लिखिए टू कैश अकाउंट, और आपने क्या काम किया, परचेज फर्नीचर। अब आप कितने का खरीदे, 8000 का। नंबर थ्री भी आपने बना लिया। अब है ओल्ड फर्नीचर को आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हो, डिस्कार्डेड, ठीक है। तो यहां पर होगा बाय कैश अकाउंट, क्या है, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। जब आप फर्नीचर को हटा देंगे तो आपका जो पहले से फर्नीचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फर्नीचर आपका क्या है, एसेट है। तो जब एसेट हमारा डिक्रीज करता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और उसकी अमाउंट क्या है, 2500। ये आपका हो गया। अब नंबर फाइव, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय 2000। जब एसेट के वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा। तो यहां पर हो गया बाय डेप्रिसिएशन, कितने का है, 2000 का। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे। टोटल ये आपका आ गया 28000, इधर 9500, ये टोटल हो गया। अब आपको बैलेंस करना है, तो जिधर कम होगा उधर बैलेंस करते हैं, बैलेंस जिधर कम होगा उधर हम बैलेंस लिखते हैं। ये दोनों को हम माइनस करेंगे, 28000, 9500, 18500। अब हम दोनों को टोटल कर देंगे यहाँ पर बॉक्स में, 28000, 28000। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर टू, ओपन टी सेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर संजय एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। दिस इज द टी सेप अकाउंट, हेयर इज द संजय इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, सो क्रेडिटर्स अकाउंट। Person whom purchase goods on credit, this is called creditor। जिससे हम लोग उधार में goods purchase करते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए creditor होता है, so creditor, and creditor is the liability for the business। So ये जो creditor है वो हमारा आएगा ग्रुप टू में, LIC।
लाइबिलिटीज है LIC के ग्रुप में वो आएगा। तो LIC के ग्रुप में क्या होगा, अगर आपको लगेगा कि क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर क्रेडिटर डिक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। अब हम लोग वन बाय वन एक एक करके पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट ₹40,000। संजय से हम लोग उधार में 40,000 का गुड परचेज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी से उधार लीजिएगा तो आपका जो लायबिलिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काम क्या हुआ था, काम को यहाँ पर लिखना है परचेज, और यहाँ पर अमाउंट होगा 40,000। दैट मीन्स 40,000 का लायबिलिटी इंक्रीज किया, क्रेडिटर इंक्रीज किया, ये हमने नंबर वन बना लिया। अब है संजय को हम 25,000 पेड करते। अगर कोई हमसे पैसा पाता है और जब हम उसको दे देंगे तो हमारा लायबिलिटी क्या होगा, बोझा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर लायबिलिटी कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे टू कैश। कितना का हमारा बोझा कम हो रहा है, 25,000 का। ये नंबर टू भी हमने बना लिया। फिर हम खरीद रहे हैं 16,000 का, मतलब फिर बोझा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो कौन साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय परचेज। अभी कितने का हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, 16,000। ये मेरा थ्री नंबर भी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 2,000 का जो गुड्स है वो लौटा रहे। हम किसी से उधार में खरीदे थे तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब हम लौटा रहे हैं तो लायबिलिटी मेरी क्या होगी, घट जाएगी। तो जब लायबिलिटी घटेगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू परचेज रिटर्न। हमने क्या किया, 2,000 का जो गुड्स है वो लौटा दिया, तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। पेड टू संजय 20,000, संजय को पेमेंट कर रहे हैं 20,000। पेमेंट करने से लायबिलिटी क्या होती है, घट जाती है 20,000। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये आपका आ गया 47,000, और इधर आपका हो गया 56,000। ये आपका क्या हो गया, टोटल। अब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस किधर लिखते हैं, जिधर कम होता है बैलेंस। ये दोनों में माइनस करेंगे ये दोनों को, और यहां पर दोनों तरफ का टोटल लिख देंगे। ये क्या हो गया, टी सेप क्रेडिटर अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर थ्री, प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स अकाउंट, यू मीन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज द मेंबर ऑफ LIC, सी फॉर कैपिटल। अगर कैपिटल इंक्रीज करेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000। बिजनेस और बिजनेस का मालिक, ये दो अलग अलग है। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो बिजनेस का क्या इंक्रीज हुआ,
कैपिटल इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ? कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो हम कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना का कैपिटल इंक्रीज हुआ? 75,000 का कैपिटल इंक्रीज हुआ। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया वो बिजनेस के लिए क्या हुआ? कैपिटल हुआ। तो बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो कैपिटल क्या हो जाएगा? जब आप बिजनेस में लगाते हैं तो कैपिटल इंक्रीज करता है, और जब आप निकालते हैं तो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करता है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट। इसको हम लोग ड्रॉइंग भी बोलते हैं। कितना निकाला? 10,000 पैसा निकालने से क्या होता है? कैपिटल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, और जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में। दो हमने बना ली। अब है 13,000 का लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट किया गया। किसका? बिजनेस के मालिक का। मतलब ये भी एक तरह का क्या है? पर्सनल यूज हो गया। तो क्या हो गया? कैपिटल क्या हो जाएगा? घट गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट ड्रॉइंग। मालिक के द्वारा पैसा या तो डायरेक्ट निकाले, या इंश्योरेंस के लिए, या किसी और के लिए। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस किसका हो रहा है? बिजनेस के मालिक का, प्रोपराइटर का। तो जब वो पैसा निकालेगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ये तीन नंबर भी हो गया। अभी ये क्या कर रहा है? मालिक जो है 15,000 का जो एक इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिया। कितने परसेंट फायदा में? 5% में। और उस पैसे को क्या किया? बिजनेस में लगा दिया। मतलब फिर बिजनेस के लिए वो पैसा क्या हो गया? कैपिटल हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। 15,000 का था, 750 फायदा हो गया। टोटल पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, 15,750। मालिक के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाना, कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब क्या हो गया? बिजनेस में लॉस हो गया 5,000 का। तो लॉस हो जाएगा तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हो गया। कितने का? 5,000 का। अब हम दोनों तरफ इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो ये आपका हो गया 28,000, और इधर आपका हो गया 90,750। बैलेंस के लिए हम लोग कहाँ लिखते हैं? जिधर कम होगा। ये टोटल, और ये हमारा हो गया बैलेंस। ये दोनों को माइनस करेंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे। ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया। डियर स्टूडेंट, अभी आपने हमसे पढ़ा एग्जाम्पल ऑफ टी शेप अकाउंट विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन अप्रोच। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।